हेलो बच्चों, उम्मीद करूंगा वो वायर इंसुलेटेड हो। अगर उस वो इंसुलेटेड नहीं हुई तो फिर तुम कुछ नहीं देख पाओगे इसमें से, है ना। तुम देखने लायक ही नहीं रहोगे फिर कुछ। वो शर्त आपको और क्लियर होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। गला मत पकड़ना मेरा, मैं बोल देता हूं फिर भी, ठीक है ना, कि अगर चार्ज इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिल रही है ना, तो वो चार्ज पॉजिटिव है। कॉपी पेन उठा लेना और बनाना साथ साथ, ठीक है ना। तभी बना रहा हूं मैं, तो मुझे क्या जरूरत थी। आ तो रहा है इमेज में सब कुछ। फिजिक्स सीखने के दो तरीके, कार्टून देखो दबा के और मैथ सॉल्व करो दबा के। हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने लेक्चर 1 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का पढ़ लिया, जिसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्कस किया था, बार मैग्नेट को डिस्कस किया था। उसी कैटेगरी के अंदर आज दूसरे लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, लेक्चर नंबर 2 मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल और उसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या है। हम सबसे पहले देखेंगे कि मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, किसको सिग्निफाई करता है, क्या बताता है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ठीक है ना, और ये कहां कहां लगता है। तो ये 3 जगह पर लगता है। एक जगह पर लगता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जब निकालनी हो ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। फिर ये लगता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जब निकालनी हो ड्यू टू सर्कुलर लूप। और तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब डायरेक्शन निकालनी हो ड्यू टू सोलेनोइड। ये सोलेनोइड क्या होता है, सर्कुलर लूप कैसा दिखता है, स्ट्रेट कंडक्टर क्या होता है, पढ़ेंगे इसको आगे जाकर के, कोई बात नहीं, इसी लेक्चर में पढ़ना है आपने इसको। पांचवा है एप्लीकेशंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड, या सोलेनोइड की आगे की एप्लीकेशन की बात हो रही है, और फिर कुछ चैलेंजर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। देखो बच्चे, आपको इसके लिए आपका सीधा हाथ चाहिए होगा, है ना, और आपको ऐसी शेप देनी है उसको, इस तरह की शेप देनी है आपने उसको, ठीक है। ये जो आपके राइट हैंड का थंब है, थंब, ठीक है, जो अंगूठा है, ये अंगूठा दिखाता है करंट की दिशा। यानी आपने तार को कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, इस तरह से वायर को पकड़ना है, ठीक है ना। और वायर में करंट कहां जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, तो आपने ऐसे पकड़ना है। अगर करंट नीचे जा रहा है तो ऐसे पकड़ोगे इसको आप। पकड़ना राइट हैंड सही है, लेकिन पकड़ना राइट हैंड सही है। करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे, नीचे जा रहा है तो ऐसे, ऐसे ऐसे, जिधर भी करंट जा रहा हो मतलब उस तरफ आपने अपना अंगूठा रखना है, ठीक है। उस तरफ आपने क्या रखना है, अपना अंगूठा, थंब रखना है आपने। और जो आपकी उंगलियों का कर्ल है, ये जो एनसर्कल कर रही है उंगलियां आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब समझ में आई बात। ये करंट कैरिंग वायर है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके अंदर करंट चल रहा है। अंगूठा दिखाएगा करंट की दिशा, अंगूठा दिखाएगा करंट की दिशा, तब उंगलियां दिखाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, अगर ये वायर आपकी तरफ आ रही है सोचो, तो उसके उसके जो अबाउट, उसके जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी, ऐसे घूम रही होगी वो, इस तरीके से, ऐसे। मैं दिखाता हूं आपको, पहले एक बार लॉ को स्टेट करते हैं कि लॉ कहता क्या है। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल इंडिकेट्स, क्या बताता है, इंडिकेट का मतलब होता है बताना। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन। अगर आपको करंट की दिशा पता है तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी पता करवा देगा, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। करंट की दिशा नोन होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बता देगा आपको मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी ग्रैस्प द करंट कैरिंग वायर इन आर राइट हैंड, सीधे हाथ में, राइट हैंड के अंदर अगर हम करंट कैरिंग वायर को पकड़ेंगे, so that our thumb points in the direction of the current, हमारा thumb कहां point करना चाहिए, current की दिशा में, ठीक है। so that our thumb points in the direction of the current, ठीक है। the direction in which our fingers encircle, देखो हरे में जो लिखा है, ये रंग बिरंगा इसलिए बनाया गया ताकि आपको key points highlight हो जाएं, key points आपके दिमाग में fit हो जाएं। बोल तो मैं रहा ही हूं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी रंगों से आप identify कर पाओ कि thumb दिखा रहा है current की दिशा, उंगलियां दिखाएंगी, फिंगर्स एंड सर्कल दिखाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। यानी जो उंगलियां घूम रही है ना आपकी, ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, ऐसा समझ लो। एक बार के लिए ऐसा समझ लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड ही है और ये करंट है, तो ये करंट हो गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जो ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमेंगी, ऐसे ऐसे घूमेंगी, ठीक है। तो व्हेन थंब पॉइंट्स अपवर्ड्स, अगर थंब अपवर्ड पॉइंट कर रहा है, जैसे मैं अभी तक अभी करके दिखा रहा था आपको, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, द कर्ल्ड फिंगर्स आर एंटी क्लॉकवाइज। जो ये कर्ल फिंगर बन रही है ये एंटायर क्लॉकवाइज होगी, यानी ऐसे ऐसे, आप चेक कर लो, आप चेक कर लो, ये ऐसे घूम रहा है, जो इस तरह से घूम रहा है ना,
तो ये क्लॉकवाइज की दिशा या एंटी क्लॉकवाइज की दिशा, आप बताओ ये क्लॉक है या एंटी क्लॉक है? ये एंटी क्लॉक है बेटा, ये होता है क्लॉक। ये क्लॉक सुई, जो घड़ी की सुई होती है उसकी दिशा को क्लॉक कहते हैं, उससे विपरीत दिशा को एंटी क्लॉक कहते हैं। तो ये विपरीत दिशा है, देख लो ये विपरीत दिशा है, ठीक है ना। तो अगर आप अपवर्ड पॉइंट करते हो और ऐसे मैं देखूं, आप खुद करके देखना, ऐसे मैं देखूं तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे, इस तरह से घूमता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसकी एक इमेज भी है, आप समझ जाओगे क्या कह रहा हूं मैं। ये क्लियर इमेज दिखा रखी है कि कोई करंट कैरिंग वायर, आई मतलब करंट, कोई करंट कैरिंग वायर को अगर आपने सीधे हाथ में पकड़ लिया, कोई करंट कैरिंग वायर को अगर आपने सीधे हाथ में पकड़ लिया तो आपकी उंगलियां इस तरफ एनसर्कल कर रही हैं, देख लो ये दिशा मैग्नेटिक फील्ड की दिखाई जा रही है, ये दिशा। आधा सेमी सर्कल बाहर आ रहा होगा, आधा सेमी सर्कल बोर्ड के अंदर जा रहा होगा। इमेजिन करने की कोशिश करो इस बात को, इस बात को इमेजिन करने की कोशिश करो कि हाफ सेमी सर्कल बाहर होगा, हाफ सेमी सर्कल बोर्ड के पीछे होगा, है ना। ये 3D इमेज होगी, ऐसी ऐसी और ऐसी, ऐसी और ऐसी, तो आधा सेमी सर्कल आगे, आधा सेमी सर्कल पीछे, और ऐसे चल रहा होगा, इस तरफ से घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे घूमेगा। उंगलियां बताएंगी कैसे घूमेगा, उंगलियां बताएंगी कैसे घूमेगा, देख लो आराम से। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट कंडक्टर की कैसी होती है या मूविंग चार्ज की कैसी होती है? देखो मैंने आपसे पिछले लेक्चर में ये चीज डिस्कस करी थी कि करंट का सीधा रिश्ता है मैग्नेटिज्म से। अगर कहीं करंट चलता है तो मैग्नेटिज्म तो प्रोड्यूस होता ही है ना। आयरन फाइलिंग्स का देखा था क्या हाल हो गया था, एकदम टाइट हो गई थी वो सारी, है ना, एनसर्कल कर लिया था उन्होंने, तनाव आ गया था उनके अंदर। या कोई बार मैग्नेट था, उसके आसपास जिस तरह का तनाव आता है, उसके आसपास जिस तरह की फील्ड बनती है, वैसी ही फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर के आसपास भी बननी स्टार्ट हो गई थी। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको दिखाई बातें, है ना। तो हम अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी दिशा क्या है। केवल और केवल दिशा से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, वैल्यू से मतलब नहीं है। 12वीं में जाओगे वैल्यू पता चल जाएगी, फिलहाल के लिए दिशा बताई जा रही है बस, और दिशा ही पूछी जाती है 10th क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास 10th के अंदर CBSE बोर्ड में केवल दिशा ही पूछेगा आपसे, डायरेक्शन ही पूछेगा। करंट की नोन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की अननोन होगी, वही निकालनी होगी, जो अननोन है वही पता करना है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है और उसके अंदर करंट चल रहा है तो क्या ये सीधी बात नहीं है क्या कि उसके अंदर मूविंग चार्ज है? यानी करंट और कुछ नहीं है, मूविंग चार्ज ही तो है। तो मूविंग चार्ज अगर चलेगा, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन फेंक के मारा मैंने, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, वो भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता हुआ जाता है। अरे तार में भी तो इलेक्ट्रॉन ही चल रहे हैं, एक्चुअली में चार्ज की मूवमेंट, मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिज्म। अगर चार्ज चलता है तो अपने आसपास मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है। अब तुम उसको तार कह लो सीधी, तार कह लो गोल, कॉइल कह लो, जिसको सोलेनोइड कहते हैं, तो जो मर्जी कह लो उसको अब तुम, ठीक है ना। सच्चाई बात यह है, सच्ची बात यह है कि चार्ज चलेगा तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता हुआ चलेगा, बात खत्म, ठीक है, इतनी ही बात है बस, ठीक है। चार्ज चलेगा तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता हुआ चलेगा, यह चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। रुका हुआ चार्ज ऐसा नहीं कर पाता, रुका चार्ज नहीं कर पाता, चलता चार्ज करता है, मूविंग चार्ज करता है, ठीक है। आओ ग्राफिक से देखो इस चीज को, अभी अभी दिखाया था इसी तरह का ग्राफिक। अगर आपने अपने हाथ में एक वायर पकड़ी हुई है, ठीक है ना, उम्मीद करूंगा वो वायर इंसुलेटेड हो, अगर उस वो इंसुलेटेड नहीं हुई तो फिर तुम कुछ नहीं देख पाओगे इसमें से, है ना, तुम देखने लायक ही नहीं रहोगे फिर कुछ, तो वो इंसुलेटेड वायर हो, ठीक है, ऐसी उम्मीद करता हूं। और उस वो ऊपर की तरफ करंट भेज रही हो तो तुम अंगूठा भी उसी तरफ दिखाओ, अंगूठा भी उसी तरह दिखाओ, अपने आप उंगलियों का कर्ल बता देगा, अपने आप उंगलियों का कर्ल बता देगा कि किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड को 12वीं में बी से डिनोट किया जाता है, बी, ठीक है। अभी के लिए नहीं चाहिए आपको बी, अभी के लिए आपको बी की जरूरत नहीं है, आप इसको एमएफ लिख लो, एमएफएल लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो अभी ऐसे चल रही है, जैसे उंगलियां ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ठीक हो गया, है ना, इतना समझ में आ गया। ऐसे ये भी देखो जरा, ये क्या है, ये क्या है, ये मूविंग चार्ज ऐसा समझ सकते हो आप, ये कोई मूविंग चार्ज है। मैं नहीं बोल रहा इलेक्ट्रॉन है, मैं नहीं बोल रहा प्रोटॉन है, मैं नहीं बोल रहा अल्फा पार्टिकल, मैं नहीं बोल रहा बीटा पार्टिकल है, कोई मूविंग चार्ज है ये, ठीक है, जो कि इस तरफ जा रहा है। तो देख लो आप अपने आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैंने निकाल ली, मुझे पता ना उस तरफ जा रहा है, मैं अंगूठा उसी तरफ कर दूंगा,
है ना, शर्त ये है, वो शर्त आपको और क्लियर होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल मैं बोल देता हूं, ठीक है ना, गला मत पकड़ना मेरा, मैं बोल देता हूं फिर भी, ठीक है ना, कि अगर चार्ज इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिल रही है ना, तो वो चार्ज पॉजिटिव है, वो चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। आगे जाके पता चलेगी आपको, मूविंग चार्जेस के बारे में और बातें करेंगे आगे, नेक्स्ट लेक्चर के, एक लेक्चर की और वेट करो, हो जाएगी बातें इस बारे में भी, ठीक है ना। तो ये जो चार्ज जा रहा है ना, ये शर्त यह है कि पॉजिटिव चार्ज हो, शर्त यह है कि यह पॉजिटिव चार्ज हो, तभी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड और आप राइट हैंड थंब रूल लगाने लायक होगे, ठीक है ना। और बातें करेंगे इस बारे में, मूविंग चार्ज के बारे में आज ज्यादा बातें नहीं करनी अपन ने, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग जो बोर्ड में आपके काम आने वाली है। कैसी प्रैक्टिस? हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, हाथों से बनाऊंगा। देखो जी, ये एक वायर है बेटा, ठीक है। इस वायर में करंट किस दिशा में जा रहा है, जल्दी से बोलो, नॉर्थवर्ड्स। इस दिशा को बोलेंगे नॉर्थ। ये देखो कंपास चिपका रखी है मैंने, ये काम किए बहुत, ये बहुत काम किए। ऊपर की दिशा नॉर्थ है, नीचे की दिशा साउथ है, इधर की दिशा ईस्ट है, उधर की दिशा वेस्ट है। लेकिन दो दिशाएं और भी होती हैं फिजिक्स में, छह दिशाएं पढ़ाई जाती हैं, है ना, छह दिशाएं पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, जेड एक्सिस नेगेटिव जेड एक्सिस। तो इधर वाली दिशा और इधर वाली दिशा की तो बात यहां से दिखा नहीं सकता, आपको समझना पड़ेगा लेकिन, ठीक है ना। तो दो दिशाएं और भी हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, न्यूज तो है ही है। उसके अलावा और अच्छी गुड न्यूज क्या है कि दो दिशाएं और भी हैं। कौन कौन सी दो दिशाएं हैं? एक दिशा है आउटवर्ड और एक दिशा है इनवर्ड, ठीक है। आउटवर्ड वो जो आपके करीब आ रही है, जैसे मान लो मैंने यहां से तीर मारा खींच के और सीधा जाके लगेगा, गोली मारी मैंने यहां से तो सीधी जाके वो सीधी जाएगी, वो आउटवर्ड आ रही है, स्क्रीन से बाहर आ रही है वो, ठीक है ना। मैं नहीं आऊंगा स्क्रीन से बाहर तुमको डराने के लिए भाई, अंदर ही ठीक हूं मैं, है ना। तो आउटवर्ड का मतलब तुम्हारी तरफ आना, इनवर्ड का मतलब तुम स्क्रीन की तरफ कुछ चला रहे हो, जो अंदर की तरफ जाएगा, जो बोर्ड की तरफ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तुमने गोली मारी, मैं तो साइड हो गया, बोर्ड में लगेगी जाकर के, समझ गए ना बात को। तो वो इनवर्ड हो गई, वो दिशा इनवर्ड हो गई, लेकिन मैंने गोली मारी स्क्रीन से बाहर निकली तो वो आउटवर्ड हो गई। तो तुम्हारी तरफ की दिशा को आउटवर्ड बोलेंगे और तुमसे दूर जाती दिशा, अवे जाती दिशा को बोलेंगे इनवर्ड। तो इनवर्ड को अवे लिख सकता हूं, ठीक है। आउटवर्ड को तुम्हारी तरफ आता लिख सकता हूं, टूवर्ड्स लिख सकता हूं, टूवर्ड्स लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। टूवर्ड्स और अवे सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है, आउटवर्ड इनवर्ड लेकिन अलग अलग नहीं होगा। मेरे लिए भी वो इनवर्ड है जो ऐसे जा रहा होगा और आउटवर्ड है जो मेरी तरफ बाहर आ रहा होगा, वैसे ही आप भी हो, समझ गए बात को, है ना। तो छह दिशाएं हो गई भाई, कौन कौन सी? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है ना। ये छह दिशाएं हो गई, ये छह दिशाएं हो गई, ठीक है। अब सुनो आगे बात को ध्यान से, ठीक है। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालूं? तो बोला जाता भाई एक मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल है, उसको यूज कर ले, दिशा आ जाएगी, है ना। कौन सा है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल? इसको मानना है करंट की दिशा, सीधा हाथ लेके आए, अंगूठा ऊपर कर दिया, ये करंट की दिशा है। और जो ये आपकी उंगलियों का कर्ल है ना, जो ये कर्ल है आपकी उंगलियों का, वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कैसी होगी जरा देखना, ऐसी होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ। ऐसी ऐसी, और पीछे से ऐसे आ रही होगी, ये डॉटेड दिखा रहा हूं क्योंकि वो प्लेन में नहीं है ना, वो प्लेन से पीछे है, वो इस प्लेन में नहीं है, वो प्लेन से पीछे है। मतलब ऐसे हो गया ना, आधा सेमी सर्कल आगे मैंने बोल्ड से दिखा दिया, आधा सेमी सर्कल पीछे मैंने डॉटेड से दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये पीछे वाला सेमी सर्कल है, ये आगे वाला सेमी सर्कल है। तो इस तरह से, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, नीचे भी होगी, ऊपर भी होगी और दूर दूर भी होगी, समझ गए ना। वो तो जितना दूर जाओगे उतनी उतनी कम होती जाती है, वो तो आप समझते होगे, है ना। मैं मिटा देता हूं, गंदा लग रहा है ना, आप समझ जाना अपने आप, ठीक है भाई। तो एक दिखा रहा हूं बस मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं, और इसको क्या, करंट लिख देता हूं। आ गया समझ में, आ गया समझ में। ऐसी ऐसी इमेजिन करना, ऐसी इमेजिन करना, ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, ये कोई वायर है जिसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। तो मैंने अंगूठा ऐसे रखना पड़ेगा, सोचो ऐसे रखना पड़ेगा, और ऐसे रख करके मैं निकालूंगा कि भाई ये ऐसे उंगलियां घूम रही है मेरी, ध्यान देना, ऐसे घूम के पीछे से निकल के ऐसे आएंगी, बोर्ड के पीछे से निकल के ऐसे आएंगे, फिर ऐसे घूम जाएंगी, यानी आधा सेमी सर्कल आगे और आधा सेमी सर्कल इसके पीछे होगा, यानी इस तरह से कुछ होगा, देखना जरा, इस तरह से कुछ होगा, ऐसा
है ना, और ऐसा सही बना है ना, आधा सेमी सर्कल आगे आधा सेमी सर्कल पीछे, तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, माने ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, तो आधा सेमी सर्कल आगे आ गया, आधा सेमी सर्कल पीछे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दिखा दिया मैंने इसको। तो अब बोर्ड में क्या करना है, बोर्ड में अगर आपसे पूछ ले ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो पिछला वाला डायग्राम बना देना, पिछला वाला मतलब जो पिछली साइड में था, ठीक है ना। एक सीधी तार दिखाओ, एक सीधी तार दिखाओ, एक प्लेन दिखाओ, उस प्लेन के ऊपर से फट्टे पे लगा हुआ दिखा दो कि एक फट्टा रखा हुआ, फट्टे के ऊपर इस तरह से गोल 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 लाइनें दिख रही, कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल ही तो होंगे, नहीं होंगे क्या, कंसेंट्रिक सर्कल ही तो है बेटा। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है सर्कल में सर्कल, तो बताओ सर्कल में सर्कल नहीं है क्या, छोटी रेडियस का सर्कल हो गया, ये उससे बड़ी रेडियस का सर्कल हो गया, ये उससे बड़ी रेडियस का सर्कल हो गया, ऐसे ही तो हो रहा है ना। तो ये एक वायर, छोटा सर्कल बना, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे, समझ गए ना बात को, तो ये हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, आपको भी करनी है, मेरी प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है, तुम्हारी हो रही है प्रैक्टिस, तो तुमने भी करना है ये, ठीक है, तुमने भी करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड याद रखना भाई। अब आती है लूप की बारी, लूप समझते हो, किसको बोलते हैं लूप, लूप बोलते हैं भाई जिधर से स्टार्ट हुआ उधर ही खत्म हो जाए, बच्चा समझता है लूप का मतलब सर्कल, सर्कल नहीं, जितनी भी क्लोज फिगर्स हैं वो सब लूप हैं, ट्रायंगल भी एक लूप है, रेक्टेंगल भी एक लूप है, क्वाड्रिलेटरल भी लूप है, पैरेललोग्राम भी लूप है, मैथमेटिकल फिगर जो भी क्लोज हो रही है सबकी सब लूप है, ठीक है ना। तो लूप्स की बात हो रही है यहां पर। सबसे पहले आप ये देखो लूप के अंदर कैसा दिखता है मैग्नेटिक फील्ड, GIF इमेज है एक, है ना, एनिमेशन चल रहा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, घबराना नहीं इसको देख करके, सर ये क्या राक्षस है, ये कौन सा रावण आ गया, घबराना नहीं, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ये रिंग है बेटा, ये रिंग है, इस रिंग के अंदर करंट चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे कैसे करके इसमें क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। अब आप ये बात तो समझ गए ना कि भाई इधर से लेकर के ये वाली जो रिंग है ये प्लेन से बाहर है, ये बाहर की तरफ आ रही होगी, और इधर से इधर वाली जो रिंग है ये प्लेन के अंदर, ये बोर्ड के पीछे है, ये है ना, ऐसी होगी ना, ऐसी इधर और ऐसी इधर, ये रिंग है, इस रिंग में करंट चल रहा है, 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 इसमें करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, ठीक है, करंट चल रहा है। अब सुनो ध्यान से बात को, एक बात बताओ, अगर सिर्फ यहां की बात करूं, इधर की बात करूं, तो इधर जो करंट है वो ऐसे जा रहा है, इमेजिन करने की कोशिश करना, ये मेरा अंगूठा है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे रिंग बनी है ना ये, तो यहां से करंट इधर को जा रहा होगा और इधर से करंट घूम के यहां बाहर आ रहा होगा, ऐसे 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 इस तरीके से घूम रहा है मेरा अंगूठा, देखो ऐसे ऐसे, तो इधर जब मैं हूं तो ये अंगूठा अंदर जा रहा है, ये अंगूठा अंदर जा रहा है, और अंगूठा अंदर जा रहा है, थंब अंदर जा रहा है, और राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो देखो किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, कर्ल देखो जरा, और देखो ये भी ऐसा ही कर्ल है, ये भी ऐसा ही कर्ल है, ये भी इस तरह से कर्ल हो रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा। ऐसी सोचो, यहां से अगर करंट अंदर गया है इस वाली साइड से, राइट हैंड साइड से अगर करंट अंदर गया है, तो इधर से करंट बाहर भी तो आएगा, इधर से करंट बाहर भी तो आएगा, तो बाहर आएगा तो ऐसे लगाएगा ना बेटा, इस तरह से लगाएगा ना, यहां से लगा के देख, ये देख कैसे कर्ल हो रहा है, देख रहे हो, देख लो इसको भी, देख लो हरी हरी मैग्नेटिक फील्ड्स, हरी हरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे घूम रही हैं, ऐसे घूम रही हैं, जैसा मेरी उंगलियां घूम रही हैं, जैसी मेरी उंगलियों का कर्ल है वैसा ही इनका भी कर्ल है, तो ये तरीका है, ये तरीका है, आराम से करके देख लो इसको, आराम से कर लो, पॉज कर लो, जो मर्जी कर लो, देखो इसको लेकिन एक बार, ठीक है ना, फील लो इस चीज की कि क्या टॉपिक है, यहां से अंदर जा रही है, यहां से अंदर देखो कर्ल ऐसा है, यहां से बाहर ऐसा कर्ल है, ठीक है ना, राइट हैंड सब कुछ बता देगा आपको। बोर्ड में ये बना के आना भाई, ये ना बनाना बोर्ड में, ठीक है, सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, तुम भी कंफ्यूज, पेपर चेकर भी कंफ्यूज, ठीक है ना, वो पेपर लेने वाला कौन होता है, वो इनविजिलेटर, वो भी कंफ्यूज, ठीक है, ये मत बनाना भाई, ये बना के आना, ठीक है, एनसीईआरटी अप्रूव्ड, ठप्पा लगाओ एनसीईआरटी अप्रूव्ड, ये बना के आना आपको, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है देखो जरा, इसको भी समझा देता हूं, इतना मुश्किल नहीं है, समझने वाले समझ गए होंगे अब तक, ठीक है, मैं समझा देता हूं फिर भी, देखो जी हो क्या रहा है, लाल ही है ना, हाँ ठीक है,
देखो जी हो क्या रहा है भाई, यहां से करंट चला चला, ये गत्ता ले रखा है कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में कर लिए दो छेद, कार्डबोर्ड में दो छेद कर लिए, उसमें से तार ऐसे निकाल के ऐसे डाल दी, यहां से तार को बाहर निकाला वहां से अंदर डाल दिया, ठीक है ना, ये वायर है, तो यहां से करंट चला है तो इधर से बाहर निकलेगा ना, ऐसे ऐसे आउटवर्ड आएगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे घुस जाएगा और फिर यहां से नीचे से आ जाएगा, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, बोलो है ना, ये पूरा सर्किट, ये पूरा लूप बन गया, ऐसे करके लूप बन गया, ये बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लूप बन गया, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा मैक्सवेल वाला, है ना, और निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चला देखो, यहां से करंट ऊपर की तरफ निकल रहा है, बोलो निकल रहा नहीं निकल रहा, ये जो मेरी उंगलियां हैं ये बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देख लो ऐसी घूम रही है, ये भी ऐसी घूम रही है, यहां पर थोड़ा सा चेंज था, यहां रिंग ऐसे लेटी हुई थी, कंफ्यूजन ना होना बेटा, यहां रिंग ऐसे लेटी हुई थी, यहां रिंग को खड़ा कर रखा है, बस ऐसे थी, ये ऐसे कर रखी है, बस और कुछ नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल रिंग थी या वर्टिकल रिंग है, तो दोनों आस्पेक्ट दिखा रहा हूं, आप रट्टा नहीं मारो, रट्टा नहीं मारो, समझो बात को, इसलिए दिखा रहा हूं दोनों तरह के आपको एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, एक बार लेटी हुई रिंग है, एक बार खड़ी हुई रिंग है, रट्टा नहीं मारना, राइट हैंड थंब रूल लगाना, बात खत्म, सिंपल सा रूल है। यहां से करंट ऊपर जा रहा है, लाल लाल करंट ऊपर जा रहा है, तो काली काली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बन रही है, ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से बन रही है, यूं घूम रही है, ऐसे इधर से देखो, इधर देखो, यहां से करंट नीचे आ रहा होगा, है ना, इधर से करंट नीचे आ रहा होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम के आएगी, तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। और हो पता क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये घूमती 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 बीच में जो असर होगा ना इसका, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, इसलिए मैं इस बात को नोटिफाई कर देता हूं, ठीक है, आपके नोटिस में ला देता हूं कि ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये सीधी होती है बिल्कुल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये सीधी होती है, तो लूप के सेंटर में सब तरफ का असर जो होता है ना, सब तरफ का जो असर होता है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, ठीक है ना, यहां पर वो दिखा नहीं रखी है, लेकिन जरूर यहां पर बीच में एक ऐसी ऐसी लाइन होनी चाहिए, एक ऐसी लाइन यहां होनी चाहिए, ठीक है ना, एक सीधी लाइन यहां होनी चाहिए, जैसे सीधी लाइन इसके अंदर से घुसती जा रही है, तो कोई लूप है, उस लूप में से एकदम सेंटर पर बिल्कुल सीधी लाइन होगी मैग्नेटिक फील्ड वाली, एकदम सीधी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, तो पूछा जाता है कि एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब किस तरह की होती है, तो आंसर है उसका स्ट्रेट होती है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी, ठीक है, अब प्रैक्टिस में क्या करोगे, देखते जाओ साथ साथ बनाते जाना, देखते जाओ साथ साथ बनाते जाओ, एक गत्ता लो, एक कार्डबोर्ड लो, उस कार्डबोर्ड के अंदर दो छेद करो, ये कर दिए, तार गुजारनी है इसमें से हमको, ये तार लेके आए और ऐसे लाके इसमें यहां से निकाली और यहां से ऐसे बना दी, ठीक है, कॉपी पेन उठा लेना भाई आलसियों, कॉपी पेन उठा लेना और बनाना साथ साथ, ठीक है ना, तभी बना रहा हूं मैं, तो मुझे क्या जरूरत थी, आ तो रहा है इमेज में सब कुछ, यहां GIF है, वहां स्टिल इमेज है, इसको बनाने की क्या जरूरत थी, ताकि मेरे साथ साथ आप भी बनाओ इसलिए, ठीक है, तो मेरे साथ साथ बनाना इस चीज को, तो ये तार थी, छेद करके लेके आए और ऐसे छेद करके इसके अंदर वापस से डाल दी, अब करंट चालू करता हूं इसमें, अब इसमें करते हैं करंट चालू, तो ये कर दिया हमने करंट चालू, ऐसे ऐसे पीछे से जाएगा, ऐसे बाहर निकलेगा, यहां से राइट आएगा, यहां से अंदर घुसेगा, नीचे से आएगा और ऐसे बाहर आ जाएगा, ये लूप कंप्लीट हो गया करंट वाला, बहुत बढ़िया। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रट्टा नहीं मरवाना, यहां देखो ऊपर की तरफ करंट है, यहां ऊपर की तरफ करंट है, ऊपर की तरफ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी, यहां नीचे की तरफ करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, पहले इसको बनाता हूं, ऐसे ऐसे घूम रही है ना, तो ऐसी होगी, ये ऐसी ऐसी, सोचो, और ऐसी और ऐसी, और इसको सोचो, इसको सोचो, इसकी ऐसी होगी, ये 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 है ना, और एक और छोटी सी और बनाता हूं, ये ठीक है, और बीचों बीच अभी बताया था एकदम स्ट्रेट होगी, तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके अच्छा सा सुंदर सा बनाना है, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, तो भाई ये लूप था, ठीक है, अब ये लूप ऐसा भी हो सकता है, देखना जरा, ये लूप ऐसा भी हो सकता है, कल को ये लूप ऐसा हो गया तो क्या ये लूप नहीं है, क्या ये लूप नहीं है, मैंने बैटरी कनेक्ट कर रखी है यहां पर, अरे बैटरी से ही तो करंट चलेगा, भूल गए क्या, है ना, तो प्लस ये माइनस, करंट आ जाएगा इसके अंदर, अभी ला देता हूं करंट भाई, ये करंट आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया, चला गया, घूम गया,
है ना, करंट पूरा घूम गया इसके अंदर, तो करंट यहां से निकला ऊपर इधर इधर इधर। आप अब क्या करो पता है, हर तार के लिए कोशिश करो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने की। देखो ये ऊपर तार है, ये ऊपर तार है, ये जो ऊपर तार है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी, मतलब ऐसी 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 और पीछे से ऐसे और ऐसे, क्या कहते हो, सही बात है या नहीं, है ना, ऐसी होगी। ऊपर वाले की सोचो, ये ऐसा है तो ऐसी होगी, यहां से अंदर जा रही होगी, पीछे से बाहर आ रही होगी वैसे घूम करके, तो यहां से बाहर आ रही होगी और यहां अंदर जा रही होगी ऐसे, ठीक है ना। इधर इनवर्ड होगी, यहां आउटवर्ड होगी, ऐसे यहां पर, यहां इनवर्ड होगी, यहां आउटवर्ड होगी, ठीक है ना। ऐसे इसका सोचो, इसका सोचो, ये नीचे है, यहां से अंदर जा रही होगी, पीछे से घूम के बाहर आ रही होगी, तो भाई ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तुमने एक बात ध्यान दी, आप लोगों ने एक बात ध्यान दी कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ गिर रही है ना, इमर्ज आउट होती है ना, या सबमर्ज इन हो रही है, ऐसा समझ लो, अंदर डूब रही है सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां भी तो ऐसा ही हो रहा था, ये भी इधर से, ये भी इधर से, ये भी इधर से, ये भी इधर से, तो बीचों बीच कैसी होगी, बीचों बीच बिल्कुल सीधी होगी। सोच के देखो, सोच के देखो, ये एक लूप है, यहां से भी ऐसी, यहां से भी ऐसी, यहां से भी ऐसी, यहां से भी ऐसी, यहां से भी, हर साइड से ऐसी है, लेकिन बीचों बीच कैसी होगी, बीचों बीच बिल्कुल सीधी होगी। तो यहां, यहां बीचों बीच एकदम, यहां इधर इधर इनवर्ड होगी, एकदम सेंटर में देखेंगे तो इनवर्ड होगी, इनवर्ड है ना, छह दिशाएं बताई थी उसमें से इनवर्ड वाली दिशा होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड सारी की सारी यहां कहां होगी, इनवर्ड होगी, सारी की सारी कैसी होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं जो इस साल काम आए ना आए लेकिन बारहवीं में जरूर काम आएगा, वो क्या है सुनो, वो क्या है सुनो, तुमने बार मैग्नेट देखा है ना, हां या ना बोलो, मन में ही बोलो चाहे, नॉर्थ से फील्ड बाहर निकलती है, बात कर ली हमने इसकी पिछले लेक्चर के अंदर कि नॉर्थ से फील्ड बाहर निकलती है और साउथ में फील्ड अंदर घुसती है, हां या ना, नॉर्थ से फील्ड बाहर निकली और साउथ में फील्ड अंदर घुसी, एक बात बताओ, अगर ये बार मैग्नेट है इसमें से फील्ड यहां से बाहर निकल रही है ऐसे और ऐसे अंदर घुस गई, और मैं आपको ये वाला सिरा दिखाऊं, अगर इसका, इसका साउथ पोल में अगर आपकी तरफ पॉइंट कर दूं, अगर इसका साउथ पोल में आपकी तरफ पॉइंट कर दूं तो आपको क्या लगेगा, फील्ड अंदर घुस रही है या नहीं, और ऐसे कर दूं तो आपको लगेगा फील्ड बाहर निकल रही है ऐसे करके और ऐसे घुस गई, ऐसे निकली और ऐसे घुस गई, ऐसे निकली वो पीछे से आई और ऐसे घुस गई, ऐसे ही होगा ना भाई, यहां से निकलती यहां से घुस जाती है। तो इमेजिन करके देखना, विजुअलाइज करो, बिना विजुअलाइजेशन के फिजिक्स पॉसिबल नहीं होती, विजुअलाइजेशन वीक होती है इसलिए अपने को फिजिक्स नहीं आती, दूसरा मैथ्स वीक होती है इसलिए अपने आपको फिजिक्स नहीं आती। फिजिक्स सीखने के दो तरीके, कार्टून देखो दबा के और मैथ सॉल्व करो दबा के, ठीक है ना, फिजिक्स आ जाएगी बढ़िया से। कार्टून देखने बचपन में बहुत, अब बचपन निकल चुका है, अब कोई बचपन नहीं है, ठीक है, टेंथ में आ गए हो, पढ़ाई करो। चलो देखो, यहां से बाहर निकल रही है फील्ड और ऐसे अंदर घुस जाएगी, तो यहां से बाहर जो ये फील्ड निकल रही है इसको बोलेंगे आउटवर्ड दिशा, और ऐसे जो ये फील्ड अंदर घुस रही है इसको बोलेंगे इनवर्ड दिशा। एक बात बताओ, क्या यहां फील्ड अंदर नहीं घुस रही, क्या यहां फील्ड अंदर नहीं घुस रही, क्या मैं इसको एक साउथ पोल नहीं कह सकता, क्या सोचो जरा इस बात को, क्या मैं इसको एक साउथ पोल नहीं कह सकता, क्या क्या मैं इसको एक साउथ पोल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्या क्या एक बार मैग्नेट का साउथ पोल भी यही काम नहीं करता, क्या जो ये वाला लूप कर रहा है, जो ये वाला लूप कर रहा है इनवर्ड करके, इसलिए इसलिए आज तो मैंने इसको इनवर्ड कह दिया, लेकिन कल को मैं इसको साउथ पोल भी बोलूंगा, इसको मैं साउथ पोल भी बोलूंगा कि यहां साउथ पोल बन रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात और सोचो जरा, अब ये भी हाई लेवल बात है, ये भी हाई लेवल बात है, एक बात और सोचो, जब आपको करंट क्लॉकवाइज मिला तो लूप कौन सा मिला, अगर आपको करंट क्लॉकवाइज मिला इस लूप में तो पोल कौन सा मिला, पोल मिला साउथ, हां या ना, अगर करंट क्लॉकवाइज मिला तो पोल मिला साउथ, सोचो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मिलता तो, अभी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होता तब कौन सा पोल मिलता, निकाल के देखना। जैसे बैटरी ऐसे कनेक्ट करी है ना मैंने, इसको उल्टा कनेक्ट करना और फिर करंट यहां से दौड़ाना ऐसे 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 और फिर ये लगा करके निकालना, तुम पाओगे कि बीच में जो पोल बना ना वो नॉर्थ बना,
वो साउथ नहीं बना, वो कौन सा बना? नॉर्थ बना। तो यहां से एक चीज नोट करी जा सकती है, कह लो कि रट्टा ही मार रहे हैं, कह लो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ऐसा कह लो कि अगर क्लॉकवाइज करंट बहे किसी लूप में, लूप की बात कर रहा हूं, करंट कैरिंग लूप की, किसी लूप में अगर क्लॉकवाइज करंट चले तो साउथ पोल दिखता है, साउथ पोल सिग्निफाई होता है अपने को। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज बोल लो चलो, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज चले करंट तो नॉर्थ पोल दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा, ठीक है। सोचना इस बारे में थोड़ा, इस बारे में अपनी इमेजिनेशन का दायरा नहीं बढ़ाओगे तो आपको यह बात समझ में नहीं आएगी। पेन उठा लेना ना, पेन उठा लेना और बना के देखना इसको, जैसे मैंने बनाया ना ऐसे इसका उल्टा बना के देखना, आपको यहां बीच में नॉर्थ पोल दिखेगा, ठीक है, ऐसे आपको बीच में नॉर्थ पोल दिखेगा। तो यहां से यह बात नोट करी जा सकती है, छोटी सी बात है, ठीक है। और याद ना हो रहा हो ना, अगर याद ना हो रहा हो, मान लो ये रट्टा मार लिया फिर भी भूल जा रहे हैं, तो याद रखना भाई एंटी मतलब एन, एन माने नॉर्थ पोल, खत्म, समझ गए ना। एंटी माने एन, एंटी एन नॉर्थ पोल, एंटी एन नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज वाला अपने आप साउथ हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका भी याद है, इसको याद करने का तरीका ये, ऐसी ट्रिक्स ही बनी है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो सोलेनॉइड की बात कर लेते हैं हम। देखो ऐसा है भाई, सोलेनॉइड कोई एंड्रॉइड का कोई भाई नहीं है, ठीक है। सोलेनॉइड का मतलब होता है कॉइल, एक कॉइल है ना, मैगी याद करो, कॉइल, उस कॉइल के अंदर करंट चला दिया, उस कॉइल के अंदर हमने बैटरी से कनेक्ट करके करंट चला दिया। अब जब उसके अंदर हमने करंट चला दिया तो पूरा कॉइल जो होगा ना वो मैग्नेटिक कॉइल बन जाएगा, वो मैग्नेटिक कॉइल बन जाएगा। कैसे मैग्नेटिक कॉइल बनेगा आओ समझते हैं। और एक बात बताऊं, ये जो सोलेनॉइड है ना इसको बोलते हैं बार मैग्नेट का टेम्पररी भाई है ये, हाँ सोलेनॉइड को बार मैग्नेट का टेम्पररी भाई बोलते हैं। बार मैग्नेट की जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है ना, वैसे ही सोलेनॉइड की भी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। देखना जरा, ये देखो जी करंट जा रहा है इसके अंदर, घूम रहा है ऐसे 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 करके, ठीक है ना। तो एक तरफ से फील्ड ऐसे निकलेगी नॉर्थ बन करके और ऐसे साउथ में घुस जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कैसे होती है, पूरा बना के दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करेंगे इसकी हम, ठीक है। तो जैसा बार मैग्नेट में देखने में आ रहा है ना, दो पोल बनते दिख रहे हैं आपको, सेम टू सेम भाई है उसका सोलेनॉइड, इसका भी ऐसे ही है, नॉर्थ से फील्ड बाहर निकलेगी और साउथ में घुस जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे घूम के अंदर घुस जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये देखो जरा आप, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया आपको कि भाई सोलेनॉइड एक खोखला बार मैग्नेट ही तो है ना। जैसी मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट निकालता है, वैसी मैग्नेटिक फील्ड कौन निकालता है बेटा? सोलेनॉइड, है ना। देखो ये एक स्कीमेटिक इमेज दिखा रखी है आपको, क्या दिखा रखा है, एक बार ले रखा है, बार बोलो इसको, कोर बोलो इसको, वर्ड यूज किया जाता है कोर, ठीक है। तो कोर के ऊपर तार लपेट रखी है, कोर के ऊपर तार लपेट रखी है, सोलेनॉइड ही तो है, ये सोलेनॉइड ही तो है। क्या करना है इसको जोड़ देना है बैटरी से। ये देखो ये बैटरी जोड़ दिया और की को ऑन कर रखा है, ये स्विच ऑन रखी है की, ठीक है, की को ऑन कर दिया है और इसमें से करंट चलेगा कुछ ऐसे, यहां से ऐसे। मैं भी बना के दिखाऊंगा आपको किस तरीके से करंट चलता है इसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे करंट चलेगा यहां से और यहां से और फिर इसमें से होता हुआ ऐसे 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 कॉइल से होता हुआ वापस बैटरी में चला जाएगा। तो करंट तो अपना काम करेगा ही घूम घूम के, और आपको पता है कि मूविंग करंट है, मतलब करंट है, और करंट जब चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और आप देखो यहां पर न्यूमरस लूप्स हैं, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, हर लूप अपने आप में, जैसा कि पिछली स्लाइड में देखा था, हर लूप अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड तो निकालता ही निकालता है, हर लूप अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऐसे यहां तो कई सारे लूप्स हैं मिल करके कंजस्टेड फील्ड निकालते हैं, एक ऐसी फील्ड निकालते हैं जो कि बार मैग्नेट जैसी लगती है, जैसी फील्ड बार मैग्नेट की होती है वैसी ही सोलेनॉइड की होती है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको यहां पर, ठीक है ना। अब ये नॉर्थ साउथ क्या है, कैसे आया, उसके लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए स्लाइड पर आते हैं हम लोग, ठीक है। देखो जी मैं एक डायग्राम ही बना के दिखाता हूं आपको, और आपको भी एक काम करना ही है मेरे साथ, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो जरा, एक सोलेनॉइड बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। ये कॉइल है, कई सारे कॉइल्स है, चार पांच छह सात जितने मर्जी कॉइल दिखाने दिखा दो आप, इसको बैटरी से जोड़ दो,
इसको बैटरी से जोड़ दो, ये जुड़ गया, की लगा दो, लग गई, ऑन कर दो, कर दिया, प्लस माइनस, करंट चल पड़ेगा, करंट चलेगा। करंट को किसी और कलर से दिखाता हूं, अच्छा लगेगा। ग्रीन से दिखाते हैं करंट को, चलो ठीक है। तो कलर आगे, करंट आगे बढ़ रहा है, और आप देखो जब ये आगे बढ़ेगा तो यहां से राइट होगा, इधर से नीचे आएगा इस लूप में, और यहां से ऊपर, ऐसे फिर राइट नीचे ऊपर, राइट नीचे ऊपर, नेक्स्ट राइट में नीचे जाएगा, लेफ्ट में ऊपर जाएगा, और फिर नेक्स्ट में चला जाएगा। ऐसे करता 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 घूमता घूमता यहां भी नीचे, यहां भी ऊपर, और नेक्स्ट जाते जाते देख लो कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया, हो गया या नहीं हो गया, है ना, कंप्लीट हो गया ना लूप, ऐसे घूमता हुआ करंट इसके अंदर जा रहा है। अब समझेंगे कैसे, पोल्स कैसे समझेंगे इसके, इसके पोल्स को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा पता बच्चों, आपको किसी भी एक लूप को, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी एक लूप को जूम करके देखना है। अब मैंने इस लूप को सेलेक्ट कर लिया, बीचों बीच का लूप है कोई, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको बड़ा करके देखता हूं, जूम करके। जूम कैसे करेंगे, जरा ऐसे देखो, यहां देखो, ऐसे जूम कर लिया इसको, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, बनाना नहीं वहां पर ही आपको, सिर्फ समझा रहा हूं यहां से आपको चीजों को, ठीक है ना। अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई यहां करंट नीचे है और यहां करंट ऊपर है। आप एक बात देख के बताओ, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये एक्चुअली में ऐसे है, आप समझ रहे हो ना, ये ऐसे बना हुआ है, ये मेरी तरफ से मैं ऐसे देख रहा हूं इसको, ऐसे 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 लूप बने हुए हैं ये, तो मैं अपने हिसाब से देख रहा हूं, यहां पर मैं अपने हिसाब से यहां से देख रहा हूं, आंख लगाई और इधर से देखा, आंख लगा के यहां से देखा, आंख तो नहीं लग गई तुम लोगों की, सोना नहीं भाई, आंख लगा के यहां से देखा तो ये करंट क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जरा बताओ। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज का मतलब मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर रटवाया था, है ना, यहां पर मैंने एक नोट का पॉइंट बनवाया था आपको कि जब भी क्लॉकवाइज करंट होता है तो कैसा पोल दिखता है, आंसर है साउथ पोल, आंसर है साउथ पोल। तो एक बात बताओ, अगर यहां साउथ पोल दिख रहा है, यह भी तो वैसा ही है, अगला वाला भी तो वैसा ही है, अगला वाला भी तो वैसा ही है, ये वाला भी तो वैसा ही है, यानी इधर से देखूंगा तो सारे के सारे मुझे क्या दिखेंगे, साउथ 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 साउथ, यहां से सारे साउथ पोल दिखेंगे, सोचो सोचो इस बात को, यहां से सारे पोल्स कैसे दिखेंगे बेटा, यहां से सारे पोल्स दिखेंगे साउथ पोल। और ऐसे ही अगर इस तरफ से देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं तो मुझे साउथ पोल दिख रहा है, यहां से फील्ड बाहर आ रही है ना, सॉरी यहां से फील्ड अंदर घुस रही है, साउथ पोल में फील्ड अंदर घुसती है, यहां से फील्ड अंदर घुस रही है तो वहां से फील्ड बाहर भी तो निकलेगी, यानी एक लूप का एक साइड अगर साउथ पोल है तो दूसरी साइड क्या होगा, नॉर्थ पोल। सोचो जरा इस बात को, अगर यहां से फील्ड अंदर जाती दिखेगी तो कहीं से बाहर भी तो निकलेगी, तभी तो लूप कंप्लीट होगा। तो इधर से अगर साउथ पोल दिख रहा है तो यहां से क्या दिखेगा, इधर से क्या दिखेगा, बैक साइड से मुझे दिखेंगे नॉर्थ पोल, यानी इधर से देखने पर सबके सब साउथ है। और यहां से अगर आंख लगा करके देखी मैंने तो मुझे सारे के सारे पोल कैसे दिखेंगे, नॉर्थ, यानी ये कोने वाला जो पोल है मुझे कैसा दिखेगा, नॉर्थ पोल दिखेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये एक ऐसा फ्रेम बन गया, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसका एक एक कोना जो है वो नॉर्थ पोल है और एक कोना जो है वो साउथ पोल है, तो ये कैसी फील्ड निकालेगा, क्या यह बार मैग्नेट जैसी फील्ड नहीं निकालेगा, क्या बार मैग्नेट का एक कोना नॉर्थ पोल और दूसरा कोना साउथ पोल नहीं होता क्या, ऐसा ही सोलेनोइड का भी एक कोना कैसा है, नॉर्थ है, और एक कोना कैसा है, साउथ है, यानी ये फील्ड कैसी निकालेगा बेटा, ये फील्ड कुछ ऐसी निकालेगा, यहां से फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी, नॉर्थ पोल से आउटवर्ड फील्ड निकलती है आप जानते हो, साउथ पोल में फील्ड घुसती है, इनवर्ड जाती है आप जानते हो, और फील्ड लूप के फॉर्म में होती है यह भी आप जानते हो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज याद करो, लूप के फॉर्म में फील्ड होती है, नॉर्थ से निकलती है, घूम के साउथ में जाती है, और अंदर भी होती है, तो अंदर भी फील्ड है, ठीक है, ऐसी। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि बाहर नॉर्थ से साउथ होती है लेकिन अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, देखो ऐसा ही हो रहा है, चेक कर लो।
आराम से चेक कर लो, अंदर साउथ से नॉर्थ है, फिर नॉर्थ से साउथ बाहर है, अंदर साउथ से नॉर्थ है, यानी अंदर ऐसी फील्ड होगी, पैरेलल लाइंस है ना, अंदर होगी पैरेलल लाइंस, बाहर होंगे कर्व्स, अंदर पैरेलल लाइंस, बाहर होंगे कर्व्स, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है, इस तरीके से सोलेनॉइड अपनी मैग्नेटिक फील्ड को निकालता है, समझ में आया। इसमें और क्या पढ़ना है, इसमें और आपको यह पढ़ना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया कैसे जाए, या घटाया कैसे जाए, या जीरो कैसे करा जाए, फलाना ढिमकाना, यानी जो ये मैग्नेटिक फील्ड है किन बातों पे डिपेंड कर रही है। तो ऐसा है भाई, ऐसा है भाई, तीन बातों पे डिपेंड करती है ये, तीन बातों पे। कौन कौन सी तीन बातें, सुनो जरा ध्यान से। बी, बी ना लिखता चलो मैं, क्योंकि बी तो ट्वेल्थ क्लास के अंदर लिखी जाती है मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहां पर एम एफ लिख देता हूं सिर्फ, ठीक है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूं कि भैया ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये सीधी सीधी प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। सोचो, सोचो इस सोलेनॉइड में जितना ज्यादा करंट निकल रहा होगा, जितना ज्यादा, जितना तेज करंट इसके अंदर चल रहा होगा, उतनी दूर तक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उतनी रॉयल, उतनी शाही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उतनी दूर तक जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई ना, तो करंट के सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है ये, करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है, करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। एक दूसरी बात और, एक दूसरी बात और, मैग्नेटिक फील्ड एक और चीज पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड पता किस पे करती है, ये डिपेंड करती है एन पे। एन बोले तो क्या, बच्चा कहता है एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, पढ़ा था हमने स्कूल में, ध्यान से सुना था हमने स्कूल में, नहीं सुना बेटा तूने ध्यान से, इस n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता, इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब क्या अब इस बात का, किसी एक यूनिट लेंथ के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होने से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। मैं समझाता हूं इस बात को, जरा देखना, जरा देखना। मान लो दो बच्चे हैं क्लास के, क्लास में दो बच्चे हैं, ठीक है, एक का नाम है चिंकी और एक का नाम है पिंकी, ठीक है ना, दो बच्ची हैं, एक का नाम चिंकी, एक का नाम पिंकी। मैंने चिंकी को जितना एरिया दिया उतना ही पिंकी को भी दिया। मान लो ये एक मीटर, एक, ये एक मीटर की लेंथ है, एक मीटर मैंने चिंकी को भी दी और एक मीटर मैंने पिंकी को भी दी, ठीक है। मैंने बोला भाई लो तार पकड़ो सोलेनॉइड बनाओ, एक एक मीटर की तार दे दी या ज्यादा की दे दी मान लो, और एक मीटर का मैंने इनको स्पेस दे दिया, भाई इतनी सी टेबल है, इतने में तुमने सोलेनॉइड बनाना, बनाओ। तो एक ने क्या किया, एक ने सोलेनॉइड बनाया ऐसा, और ये आलसी थी थोड़ी, तो आलसी ने ऐसा बनाया। बोलो किसका अच्छा लग रहा है, आप ही बताओ, आप ही बताओ कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा कंजेस्टेड होगी, आप ही बताओ कौन सा सोलेनॉइड दोनों में से बेटर है। आपका आंसर होगा सर सी वाला बेटर है, ये तो खुला खुला है, तो खुला खुला सोलेनॉइड अच्छा नहीं होता, खुला खुला सोलेनॉइड अच्छा नहीं होता, कसा कसा सोलेनॉइड अच्छा होता है। तो ये जो n है ना बेटा, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कि एक पर्टिकुलर लेंथ के अंदर टर्न्स, देखो एक दो तीन चार पांच ही टर्न आए हैं बस, इसके अंदर देखो जरा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस टर्न्स आए हैं, डबल डबल टर्न्स हैं यहां पर, तो है ना, यहां अगर n है तो यहां 2n है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को n से डिनोट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्न्स। चीजें बारहवीं में जाके और खुलेंगी, ठीक है ना, वहां पर n बाय l लिखा करोगे आप इसको, n फॉर नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय l, n बाय l लिखते हैं वहां पर, ठीक है ना, तो अभी छोड़ दो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और एक तीसरी चीज जिस पर ये डिपेंड करता है, वो बात नेक्स्ट स्लाइड में खुलने वाली है, लिख मैं यहां पर ही रहा हूं, लिख मैं यहां पर ही रहा हूं, खुलेगी अगली स्लाइड में, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ना इस बात पे भी डिपेंड करती है कि इसके बीच में, इसके कोर में, शब्द यूज करा जाता है कोर, सी ओ आर ई, कोर है ना, केंद्र में, कोर में, सेंटर में, अंदर क्या रखा गया है, क्या इसको खाली छोड़ दिया गया है, हवा भर दी है, मतलब इसमें हवा ही होगी ना, खाली होगा तो हवा होगी, क्या इसमें हवा है, क्या इसमें वैक्यूम है, क्या इसमें लोहे का कोई कील डाल दिया गया है, क्या इसमें कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया गया है, ठीक है ना, तो इसके अंदर मीडियम कौन सा है, इसके अंदर मीडियम कौन सा है। तो एक एमएफ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसके अंदर मीडियम क्या डाला गया है, उसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, म्यू
कोई और होगा तो म्यू से, और वैक्यूम के लिए म्यू नॉट यूज करते हैं। तो वैसे तो ये बातें सारी 12वीं क्लास की है, इसको छोड़ दो, हमारे यहां पर अभी ये थ्योरेटिकल बात है सिर्फ, ठीक है ना। हमारे यहां मैथमेटिकल चीजें है नहीं 10th के अंदर, इसकी मैथमेटिक्स को डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं एनटीएससी वाले बच्चों के लिए जो एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि भाई ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका फॉर्मूला भी यही आता है, म्यू नॉट एन आई, वेयर म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड आई इज द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। इसमें म्यू जो लिखा जा रहा है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, वो सब बातें छोड़ दो, बाद में आएंगी वो सारी बातें, 12th क्लास में आएंगी, आज नहीं आएंगी, 12th क्लास में आएंगी, तो उसको डिस्कस मैं यहां नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो अब इसके अंदर डायग्राम इंपॉर्टेंट था, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको मिली जाएगी ऐप के अंदर, हम लोग नोट्स अपलोड करेंगे ही करेंगे, डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी के अपलोड होने वाले होंगे और इसके हो जाएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। तो सोलेनोइड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सोलेनोइड का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसकी वर्किंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी नहीं जाती, लेकिन पता तो होनी चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए कि सोलेनोइड काम कैसे करता है, रट्टा थोड़ी मार के जाना है, ठीक है। और तीसरी बात, यह डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किन किन बातों पे करती है, करंट के बढ़ाने से बढ़ती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ के बढ़ाने से भी बढ़ती है, और कुछ डाल देने से कोर के अंदर भी बढ़ती है, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई ऐसे है ये। और चौथी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी एप्लीकेशन, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड, एक सोलेनोइड जिसमें करंट चल रहा हो उसको यूज कहां करेंगे, क्यों बना रखा है राक्षस ये, क्या जरूरत थी इसको बनाने की, है ना, एप्लीकेशन क्या है इसकी। तो कोशिश करते हैं इसकी एप्लीकेशन समझने की। देखो मैंने आपसे एक चीज डिस्कस करी थी, कोर बोलते हैं जिसको, मैं आपको कोर दिखाता हूं, आपको कोर दिखाता हूं मैं, ये कोर है, ये देखो ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना आपको, ओरिजिनल फोटो है ये सोलेनोइड की, इसके अंदर कोर है, ठीक है, इसके अंदर कोर है, इस कोर के अंदर, इस कोर के अंदर अगर आपने सॉफ्ट आयरन डाला, आयरन की एक टाइप होती है सॉफ्ट आयरन, ये जो कील वील होते हैं ठोकने वाले सॉफ्ट आयरन होते हैं सारे ये, ठीक है, अगर आपने इसके अंदर सॉफ्ट आयरन डाला तो टेम्पररी मैग्नेट बनता है, क्या बनता है बोलो, टेम्पररी मैग्नेट बनता है। और अगर आपने इसके अंदर कोबाल्ट डाला, निकल डाला, हार्ड आयरन डाला एटसेट्रा, और सारी तगड़े तगड़े फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डाले जो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं और ज्यादा टाइम तक मैग्नेटाइज हुए रहते हैं, सारी कहानी 12वीं क्लास की है, यहां बहुत ज्यादा ज्ञान पेलने की मुझे जरूरत है नहीं भाई, ठीक है ना, जितना आवश्यक है उतना ही बताऊंगा आपको, ठीक है ना, जो आपके बोर्ड में काम आ जाए उतना ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्योंकि एक रैपिड कोर्स है, उड़ना पड़ रहा है यहां पर अपने को, है ना, जमीन नहीं छोड़नी, लेकिन उड़ना तो है ही, जमीन नहीं छोड़नी लेकिन, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपने सॉफ्ट आयरन यूज किया, सॉफ्ट आयरन एज कोर अगर आपने यूज किया तो बनता है टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहां भी बन जाएगा, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, ये टेम्पररी मैग्नेट बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलो, माने जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तब तक वो मैग्नेट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सॉफ्ट आयरन डाला कोर में तो टेम्पररी मैग्नेट है, और निकल डाले, कोबाल्ट डाला एटसेट्रा, कुछ कुछ डाला एज कोर तो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, ठीक है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रखी उसके अंदर, लेकिन ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ये सारी बातें आपको 12th क्लास में पता चली जाएंगी, अभी के लिए टेंशन ना लो ज्यादा, ठीक है। ये रहा उसी के ऊपर लिखा हुआ आगे, कोई नहीं, सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट, देखो क्या कर रखा है, एक तार ली, उसको कील पर, लोहे की कील पर, आयरन नेल के ऊपर लपेट दिया, लपेटे गए और सर्किट कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है ना। वो देखो क्या कर रहा है, छोटी छोटी पिंस को उठा रहा है, क्यों ना उठाए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है भाई, है ना, क्योंकि सॉफ्ट आयरन को कोर की तरह लिया गया है तो वो टेम्पररी मैग्नेट बन चुका है भाई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है भाई, तो क्यों नहीं उठाएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए वो उसका भार उठा रहा है, और जैसे ही आप बैटरी से हटा दोगे ना, जैसे ही आप यहां से हटा दोगे, ठीक है, तो ये सारी पिन नीचे गिर जाएगी, बड़ी वाली कील भी नीचे गिर जाएगी, वो तो ग्रेविटी की वजह से गिरेगी, लेकिन ये
डीमैग्नेटाइज होने की वजह से नीचे गिरेगी, मैग्नेटिक फोर्स ना लगने की वजह से नीचे गिरेगी। ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को आप? तो ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है भाई, पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके, लेक्चर वन में से चैलेंजर प्रॉब्लम करी थी ना, कमेंट वमेंट डाले थे ना भाई, डालते रहो भाई। ठीक है, कह रहा है एट विच पार्ट ऑफ अ मैग्नेट इज इट्स मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स कहां होगी? तो उत्तर है पोल पर, दोनों पोल्स पर, दोनों छोरों पर। छोरा छोरी वाला छोरा नहीं है ये, छोर मतलब एंड्स पर, दोनों एंड्स पर। ठीक है ना, तो आपने देखा था वैसे भी एक इमेज के अंदर, मैंने आपको पिछली स्लाइड पिछली वाली लेक्चर में भी दिखाया था कि एंड्स पर खूब मैग्नेटिक फील्ड होती है, कंजस्टेड मैग्नेटिक फील्ड होती है, भर भर के मैग्नेटिक फील्ड आ रही होती है, भीड़ लग रही होती है यहां पर, है ना। तो जहां भीड़ लगेगी बोले तो वहां फोर्स ज्यादा ही है ना। अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है किसी जगह पर इकट्ठी हुई तो मतलब फोर्स ज्यादा है, तो पोल पर फोर्स ज्यादा है। ओके ओके, पोल से बाहर निकलने की बात नहीं कर रहा, पोल पर बात कर रहा हूं। ठीक है, पोल पर बात कर रहा हूं। द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू बार मैग्नेट आर कर्व्ड लाइन्स होती है इसकी, चारों के बारे में बात मैंने करी थी पहले भी आपसे, दोनों का आंसर ए ए है। ठीक है, ये इस बार के स्क्रीनशॉट करना है, अभी कर लो, पॉज कर लो, जो मर्जी कर लो, ये इस बार के चैलेंजर प्रॉब्लम है, सोच समझ के करना। ठीक है, एक सोलेनोइड पर बेस्ड है, दूसरा स्ट्रेट वायर पर बेस्ड है। ठीक है, तो इंग्लिश की हिंदी तो आप कर ही लेते हो, समझदार बच्चे हो। ठीक है, अगले एपिसोड के अंदर हम लोग, यानी तीसरे लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस तरह से काम करता है। ठीक है ना, फिजिक्स का स्वैग है ये, फिजिक्स का स्वैग। ठीक है, तो देखेंगे किस तरह से काम करता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स पर डिपेंड करता है बेसिकली, मतलब फोर्स की बातें करता है ये, और फोर्स के भी मैग्नीट्यूड की बातें नहीं करेगा। फोर्स के मैग्नीट्यूड की बातें तो 12वीं में होंगी, मैग्नीट्यूड की बातें यहां कहीं होती नहीं है, इसलिए कोई न्यूमेरिकल ही नहीं है भाई। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, वो वैल्यू निकालना होगा तो न्यूमेरिकल आ ही जाएगा, है ना, न्यूमेरिकल के बिना तो वैल्यू निकलती नहीं, तो यहां न्यूमेरिकलों की बात होती नहीं इसलिए। ठीक है, या न्यूमेरिकल नहीं है, या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, हाउ व्हाई इन सवालों के जवाब यहां बनते हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शंस के बारे में बताता है। ठीक है, फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताता है। एप्लीकेशन ऑफ लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे तीन जगह पर, स्टेट कंडक्टर में, मूविंग चार्ज में, ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या होता है स्टेट कंडक्टर की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बच्चा छोड़ के जाता है इसको, इसको छोड़ता है बच्चा, क्योंकि ये कहीं एनसीईआरटी के अंदर स्पेसिफिकली नहीं दी गई है, कोई नहीं करेंगे बात। मोटर, मोटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, मिस नहीं करना है कुछ भी, फिर चैलेंजर क्वेश्चन उसके भी होंगे, पुराने वाले डिस्कस होंगे ही होंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।